वेलकम फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो फ्रेंड्स, हम लोग आप लोगों को इस व्लॉग में बताएंगे कि हम लोगों ने अपनी समर वेकेशंस कैसे स्पेंड की। तो आप लोग भी हमें बताना कि हाउ यू स्पेंड योर समर वेकेशन। या सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग आप लोगों को दिखाते हैं कुछ क्लिप्स कि हम लोगों ने ज्वाइन की थी समर कैंप, तो हम लोगों ने उसके क्लिप्स बनाए थे। और हम लोग आप लोगों को वो स्कूल भी दिखाएंगे जो कि हमारी सोसाइटी में ही है, द स्पिरिट स्कूल। तो हम लोगों ने वो बनाया था उस स्कूल का, तो आप लोगों को उस वाले ब्लॉग में हम सारे स्कूल भी दिखाएंगे। और एक क्लिप हमने पहले भी शूट किया था जिसमें हमारा रिजल्ट मैंने आप लोगों को बताया था, मतलब वो अभी आप लोग आगे देखेंगे तो आप लोगों को इस व्लॉग में हमारा रिजल्ट भी मतलब पता चल जाएगा। और आप लोग ये व्लॉग फुल देखिएगा, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा एंड एन्जॉय दिस व्लॉग। और हम लोगों ने इतना मज़ा किया है समर कैंप में। और अभी तो हम लोगों की वेकेशंस फिनिश होने वाली हैं और हम स्कूल भी ओपन होने वाले हैं, तो हम लोगों ने समर कैंप में इतना ज़्यादा इन्जॉय किया। हम लोग आप लोगों को बता नहीं सकते, पता मैं क्यों बार बार लाइन रिपीट कर रही हूँ, बट हम लोगों ने इस समर कैंप में बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखी हैं, स्केचिंग, कैलीग्राफी, मतलब इसमें आर्ट्स एंड आर्ट्स क्लासेज हम लोगों ने ज्वाइन की थी। तो इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंट हमें स्किल्स मिले, स्केचिंग के, कैलीग्राफी के, कैनवस पेंटिंग के। और अभी तो मुझे ऐसा लगने लगा है दैट वी आर आर्टिस्ट, ग्लास पेंटिंग, पॉट डेकोरेशन, हम लोगों ने इतना कुछ किया। तो हम लोग आप लोगों को सारा कुछ पेंटिंग, हाँ जी, तो हम लोगों ने वो भी किया था। तो हम लोग अभी आप लोगों को सारा कुछ दिखाएंगे जो हम लोगों ने अपने समर कैंप में बनाया। और हम लोग आप लोगों को अपनी टीचर मैम नाहीद आफ्ताब, जिन्होंने आर्ट्स में BS किया हुआ है और वो बहुत अच्छी पेंटिंग्स और ड्राइंग्स बनाती हैं, और शी इज़ परफेक्ट इन ड्राइंग, शी इज़ सो अमेजिंग। हम लोग अपनी मैम नाहीद आफ्ताब को एक दफ़ा थैंक यू सो मच कहना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें सिखाई। और हमारे वहाँ पे कुछ फ्रेंड्स भी बने थे लेकिन वहाँ पे अलाउड नहीं था फ़ोन, तो हम लोग वहाँ के क्लिप्स नहीं बना सके। तो हम लोग आप लोगों को वो ज़रूर दिखाएंगे जो हम लोगों ने बनाया है। और तो अभी हम आप लोगों को दिखाते हैं, पहले वो तो आप लोग सारा स्कूल देख के आएँ और मैम की पेंटिंग्स वगैरह भी, तो फिर हम लोग आप लोगों को दिखाते हैं जो हम लोगों ने बनाया है। तो आप लोग देखें, हमारी समर वेकेशन हो चुकी थी स्टार्ट और हमारे फाइनल एग्जाम्स भी हो चुके हैं और हमारा रिजल्ट भी आ चुका है। और एमन की आई है 98.29% और मेरी आई 94.66%। ये और अब मैं 8 क्लास में प्रमोट हो चुकी हूँ और एमन 2 क्लास में। और अभी हम सोच रहे हैं समर वेकेशन में हम करें क्या। तो हमारी सोसाइटी में एक स्कूल है, द स्पिरिट स्कूल, तो वहाँ पे कुछ क्लासेस हो रही हैं, तो हमने सोचा हम लोग ज्वाइन करें। तो आज हम आए थे इंटरव्यू के लिए, तो हमने सोचा हम लोग इसका भी व्लॉग बना लें। समझ जाए ना, तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की थी कि बहुत ज़्यादा व्लॉग्स बनाए। फ्रेंड्स, मोमेंट भी आज हमारे साथ है। सो फ्रेंड्स, ये है स्पिरिट स्कूल जहाँ पे हमने समर कैंप ज्वाइन किया। तो चलो हम आप लोगों को अंदर लेके चलते हैं। सो फ्रेंड्स, ये है स्पिरिट स्कूल का ऑफिस। फ्रेंड्स, यहाँ से एंटर हुए हैं तो ये क्लास 2 है सामने, और ये इतना अच्छा डेकोरेट हुआ है। और ये है क्लास 1, तो आप लोग देखें। और ये मन फ्रेंड्स, ये हमारी आर्ट टीचर मैम नाहीद आफ्ताब ने बनाई है पेंटिंग, तो ये बहुत ब्यूटीफुल हैं।
फ्रेंड्स ये है हमारी फर्स्ट कैनवस पेंटिंग्स. सो ये है एमन की और ये है मेरी. सो फ्रेंड्स इसमें है बेसिकली क्या, इसमें हो रहा है सनसेट और ये ट्री आप लोग देखें. और ये मैम नाहीद आफ्ताब को क्रेडिट जाता है, थैंक यू सो मच मैम वंस अगेन. और ये आप ट्रीज़ भी देखें और ये देखें वाटर में सन का शेडो भी है और सनसेट का. और ये आप लोग सारे देखें. ये थी हमारी सेकंड पेंटिंग जो हमने बनाई थी. तो इसमें नाइट का है और पहले वाली में डे का था. और ये है एमन की पेंटिंग और ये मून, और ये मून का शेडो वाटर में. और इसमें हमने बोट भी बनानी सीखी थी. ये बोट थोड़ी सी मुश्किल थी बट हमने कर ही ली थी और मैम ने हमें बहुत अच्छा गाइड किया था. और ये मेरी है और आप लोग देखें. ये वाली जो दोनों पेंटिंग्स हैं वो हमने बनाई थी लास्ट डे पे. और ये हमारा था, ये मतलब एमन का है. ये मैंने कैलीग्राफी की थी और मुझे बहुत अच्छी लगी. और इसके ऊपर लिखा है अल्लाह. और ये आप लोग देखें ग्लिटर भी है इस पे. और ये पीछे जो हम लोगों ने बैकग्राउंड किया वो किया है स्पॉन्ज से. और ये थी मेरी, ये मेरा फ्लावर पॉट है. ये मैंने कैलीग्राफी की और मैंने फ्लावर पॉट बनाया और मैम ने हमें बहुत अच्छा गाइड किया. और फ्रेंड ये देखिए मैंने लिली बनाया है, बनाई. और फ्रेंड्स आप लोग देखें. दिखा दिए कैनवस पेंटिंग. तो अभी हम लोग आप लोगों को दिखाते हैं पॉट डेकोरेशन. तो और हम लोगों ने कोन भी पेंट की थी तो वो भी आप लोगों को हम दिखाते हैं. तो चलो आप लोग ये देखें कोन, ये होती है कोन और इसको हमने पेंट किया. ये नजर नहीं आ रहा लेकिन ये रियल में ऐसे बहुत प्यार लग रही है. बेसिकली डेकोरेशन पीस होता है जिसको पेंट करें तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है. तो ये बहुत अच्छा है. तो आगे आप लोग दिखाते हैं पॉट्स रोल. सो फ्रेंड्स ये है एमन का क्या पॉट, ये पॉट डेकोरेशन है और ये पॉट है. और ये देखें ये जो है ये मार्बल्स हैं, मैंने इसको पेंट किया था. और ये बटन्स और वो हमारी पेंटिंग्स पड़ी हैं. और ये है मेरा पॉट और ये मैंने थोड़ा सा मतलब वो देसी स्टाइल से किया है डेकोरेट. तो मैम कह रही थी कोई इस तरह भी करें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा. तो मैम की बात फिर मैंने मान ली और ये किया और ये भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. फ्रेंड्स अगर आप लोगों को हमारे व्लॉग अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक ज्यादा से ज्यादा शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है. ओके अल्लाह हाफिज फ्रेंड्स, टेक केयर. और फ्रेंड्स आप लोग भी हमें कमेंट करके बताना है इंस्टाग्राम पे कि आप लोगों ने अपनी समर वेकेशन कैसे गुजारी और आप लोगों को हमारी पेंटिंग्स कैसी लगी. और थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज.